केस नंबर टू, अभी हम लोग स्पेशल केसेस कर रहे हैं, है ना। केस नंबर टू की हेडिंग में डालिए थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर 90 डिग्री। थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या रिजल्ट होते हैं इसके? केस टू, थीटा वन प्लस थीटा टू 90 डिग्री। देखो क्या यहाँ पे थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है जिससे बॉडी को फेंकते हैं, है ना। अगर आपको यहाँ पे दो एंगल नजर आ रहे हैं, इसका मतलब दो प्रोजेक्टाइल फेंके गए, और उन दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम कितना नजर आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे दो प्रोजेक्टाइल है, याद रखना जितने भी एंगल्स होते हैं वो हमेशा हॉरिजॉन्टल से होते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं मान लो इसको फेंक रहा हूं, दूसरे को फेंक रहा हूं, एक थीटा टू आ रहा है एक थीटा वन आ रहा है, आप क्या नोट करेंगे? ये थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, यूं गिरेगा, और एक कुछ ऐसे गिरेगा। लेकिन दोनों के दोनों कहां जाके गिरेंगे? सेम पोजीशन पे। पर अभी मैंने आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट बताया, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आप इस डायग्राम को सिर्फ इतना लो, अब थीटा वन प्लस थीटा टू क्या है? 90 डिग्री। क्या दोनों की रेंज निकालें? अगर मैं मान लूं कि थीटा वन कितना है, थीटा थीटा टू कितना आएगा, 90 माइनस थीटा, पहले वाले की रेंज निकाले, फॉर्मूला देखो क्या है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, पहले वाले का थीटा कितना है, तो आर वन का फॉर्मूला देखो इधर, यू स्क्वायर। अच्छा दोनों को कितनी स्पीड से फेंका, ये ध्यान रखना, दोनों को सेम स्पीड से फेंका, ऐसे फेंका कि दोनों के एंगल्स का सम कितना है, 90। अगर एक थीटा तो दूसरा कितना है, 90 माइनस थीटा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, बोलो आर टू कितना, साइन टू 90 माइनस थीटा बाय जी, बोलो यू स्क्वायर साइन क्या 180 माइनस टू थीटा बाय, क्या सिखा चुका हूं ये, 180 पे साइन चेंज होता है? नहीं होता है, साइन ही रहता है। कितना रहेगा? साइन टू थीटा। कितना आंसर आएगा? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। क्या ये आर टू आ गया? यस। अब मेरे को एक बात समझ में आ रही है, दोनों की रेंज क्या आ रही है, इस रेंज को देखो, इस रेंज को देखो। तो जब भी ऐसा केस होगा दोनों सेम पोजिशन पे जाके गिरेंगे, जैसे मैंने बताया था, वो मेरे को याद था, मेरे को पता था कि जब जब 90 डिग्री का सम आएगा दोनों की रेंज क्या होगी। ये भले यहां से आएगा, ये भी यहां से आएगा, लेकिन दोनों एक पोजीशन पे आके गिरेंगे, तो दोनों की क्या सेम हो गई, रेंज सेम हो गई। एक केस समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? ये नहीं आता, ये आता है? डन, जल्दी उतारो इसको फटाफट। आर वन बाय आर टू कितना होगा? वन। रेशो कितनी बन गई? यहां से रिजल्ट क्या आ रहा है? आर वन बाय आर टू वन बाय वन, है ना, मतलब वन बन गया। अच्छा एक बात बताइए मुझे, क्या मैंने आपको यह समझाया लास्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास में, कोई भी केस हो क्या आपसे आर एच टी के सवाल पूछे जाएंगे? क्या आपने रेंज की रेशो निकाल ली, क्या एच की रेशो नहीं पूछेगा, टी की रेशो नहीं पूछेगा? पूछेगा, निकालो एच वन बाय एच टू और टी वन बाय टी टू। इसी में एच वन बाय एच टू निकाल के दो और टी वन बाय टी टू निकाल के दो। ये इतने इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो डायरेक्ट यूज होते हैं, निकालो। फॉर्मूले भर दो सीधे, बता। एच वन कोमल करा इसको मेरे को, एच वन बोल, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी, क्या टू जी कैंसिल हो जाएंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, वेरी गुड, 90 माइनस थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बोलो क्या होता है, क्या यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल,
ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, ऊपर क्या है स्क्वायर, तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा, है ना, तो क्या बन गया ये टेन स्क्वायर थीटा। कितना बढ़िया रिजल्ट है ना, नहीं है? थीटा वन प्लस थीटा टू 90 डिग्री के केस में आपका एच वन बाय एच टू कितना आता है, टेन स्क्वायर थीटा। यहां देखना 2u sin थीटा बाय जी, नेक्स्ट जी से जी कैंसिल, यू से यू कैंसिल, तो क्या बनेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। डायरेक्ट लिख दूं कितना बन गया, ये वाला फॉर्मूला भरा है तो कितना बन गया टेन थीटा। तो दो रिजल्ट याद हुए, एच वन बाय एच टू टेन स्क्वायर होता है और टी वन बाय टी टू टेन थीटा होता है, समय बचाएंगे। आपको बोलेगा एक प्रोजेक्टाइल है जिसको मैंने 30 डिग्री से फेंका और दूसरे को मैंने 60 डिग्री से फेंका, तो सीधा सीधा अटैक किस पे हुआ, 60 और 30 कितना बन गया 90 डिग्री। केस की पहचान कैसे करनी है समझ में आया, यस, रिजल्ट ये यूज कर रहा। नेक्स्ट केस पे बेटा थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जितने से फेंका, बेटा दो एंगल है ना, एक बॉडी को मैंने फेंका थीटा से मान 30 से फेंका, तो दूसरा कितना होगा, वही तो होता है, सही है। केस नंबर थ्री, ग्राफ बिटवीन आर एंड थीटा, ग्राफ बिटवीन आर एंड थीटा, ग्राफ बिटवीन आर एंड थीटा, करें लिखेगा कोई नहीं, एक बार ध्यान से देखेंगे, इधर आदित्य इधर ध्यान दे, बायो की क्लास थी तेरी, बायो की क्लास थी। ग्राफ केस नंबर थ्री, जितने साफ साफ नोट्स मैं बना रहा हूं इतने साफ नोट्स आपके होने चाहिए, तब फायदा है, अदरवाइज रिवीजन में बहुत तकलीफ होगी। ग्राफ बिटवीन आर एंड थीटा, अच्छा कल की क्लास से क्या सीखा है, थीटा 45 डिग्री होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी। अगर मैं इसको ग्राफ को बनाऊं आर वर्सेस थीटा, रेंज इधर बना ली, थीटा इधर बना लिया, बोलो यहां थीटा कितना 0 डिग्री, है ना, चलते 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 बॉडी ऊपर गई, रेंज बढ़ रही है, थीटा बढ़ रहा है तो रेंज बढ़ रही है, कब तक बढ़ेगी 45 के बाद घटेगी, 45 तक तो बढ़ी लेकिन 45 के बाद, तो क्या मैं 45 तक बढ़ा दूं इसको, क्या मैक्सिमम तक पहुंचा यहां पे, क्या देख 45 डिग्री पे मैक्सिमम हो गई, उसके बाद क्या हुई घटी, तो फिर यहां से आई, तो ग्राफ बिटवीन आर एंड थीटा ये बना, मेरे को ये समझ में आ रहा है ये क्या है, आर बेटा आर वाली एक्सिस पे आर ही बनाया जाएगा, देखो क्या ये आर मैक्सिमम मैंने यहां दिखा दिया, क्या तुम्हें तो ऐसा फील हो रहा है इन दोनों पे इनकी रेंज सेम है, कितना बढ़िया रिजल्ट है ना, ये आगे भी आएगा, दो थीटा ऐसे होंगे जिसपे इसकी रेंज क्या होगी सेम होगी, 0 से 90 के बीच में, ये कितना है 90, वरना 90 रेंज देख रहा हूं 90 पे, साइन 180 कितना हो जाएगा 0, साइन 180 0, ये देख 90, 90 पे रेंज कितनी आ गई 0 आ गई, इस पे कितनी आई इतनी आई, समझ में आ रहा है, तो थीटा 45 पे रेंज मैक्सिमम है उसके बाद घट रही है, सिर्फ इतना था। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं इसके भी आप पे, आपको बताया 13 42 लिखो, 13 42 63 79 बताया था मैंने पहले भी जिसने मेरे से किया हुआ है, 63 79 डिग्री, ये चार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिए हैं भाई, ठीक है, रेंज लगानी है डिसेंडिंग ऑर्डर में, रेंज डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, अरेंज द रेंज, अरेंज रेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर,
कृपया अपनी चोंच बंद रखें, कल क्यों नहीं आया? दो डिग्री, 63 डिग्री, 79 डिग्री। मान लो इसकी रेंज आर वन है, इसकी रेंज आर टू है, इसकी आर थ्री है, इसकी आर फोर है, लेट कर लो और अब ऑर्डर में लगाओ, सबसे ज्यादा रेंज किसकी होगी आर बताओ? 45 डिग्री के पास सबसे ज्यादा कौन है? 42, तो आर टू सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद सबसे पास में कौन है? क्या 63 डिग्री वाला, यानी कि आर थ्री? उसके बाद बोलो क्या जीरो पे रेंज जीरो है, 90 पे भी? तो 13 जीरो के ज्यादा पास है कि 79 90 के ज्यादा पास है? 79 90 के ज्यादा पास है, तो वो रेंज कम हो गई। इसकी रेंज तो कितनी? आर वन आर फोर, दैट इज योर आंसर। बात समझ में आ गई? तो आर एंड थीटा के ग्राफ से ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछ लेगा। नेक्स्ट केस नंबर फोर बना लो आराम से। केस नंबर फोर, हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन आर एंड एच। बहुत पॉपुलर केस है, डायरेक्ट फॉर्मेट में क्वेश्चन दिखते हैं। रिलेशन बिटवीन आर एंड एच, बेटा एक बात ध्यान रखना, एक कॉपी ऐसी चीज होती है जो आपका कॉन्फिडेंस बनाती है। जितना रफली बनाओगे उतना रफ कॉन्फिडेंस बनेगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार ऑब्जर्व करके देख लो, चाहे जो ड्रॉपर है या जो 12th में है, जितनी रफ नोटबुक, रफली नोटबुक बनाई होगी ना, उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस उतना ही डाउन गया होगा। और जिसकी नोटबुक डंकी बनी होगी उसमें कॉन्फिडेंस बढ़िया बना हो। ऐसा ही है? बनी नहीं, बनी नहीं। देखो करें स्टार्ट, हो गया सबका। आर इक्वल्स टू एन एच, ये गिवन है बेटा। ऐसे सवालों में आपको ऐसा ऐसा फॉर्मेट दिया होगा, जैसे आर एच से 4 गुना है, 5 गुना है, 10 गुना है, 20 गुना है, एन की वैल्यू दे देगा, है ना? हम क्या करते हैं यहां से ना, रिजल्ट निकालते हैं। अब आपको आर इक्वल्स टू एन एच दिया है। बहुत सारे बच्चे इसको पता नहीं क्या मानते हैं कि इतना टफ है। भाई आर एच पता है तुम्हें? भर दो यहाँ पे, अपने आप रिलेशन निकल के आ जाते हैं। भरो, आर कितना है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जे। उधर भरो, एन एच कितना है? ये जो कल एबसेंट है उनके लिए लिखे हुए हैं, एच बोलो। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2j। देखो अगर इसको फर्दर कैलकुलेशन करना है, 11th क्लास, ध्यान से सुनिए बेटा, इस साइन के अंदर कौन है? 2 थीटा। उधर साइन के अंदर कौन है? 1 थीटा, है ना? अगर इसकी काटा पीटी करनी है तो इधर भी तो थीटा होना चाहिए या फिर उधर 2 थीटा होना चाहिए। अब आपको ये वाला फॉर्मूला पता है, तो साइन 2 थीटा को क्या लिख देंगे? क्या यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, क्या जी से जी गया? 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू एन साइन स्क्वायर थीटा, यही बनाया ना? क्या कटेगा? साइन थीटा काटो, कट गया, cos थीटा बच गया। बोलो क्या बनेगा भाई? ये 2 है ना, तो ये 4 बनेगा ना इधर। ये वाला 2 उधर जाएगा, उस 2 के साथ 4 बना देगा। नहीं आया समझ में? 4 कैसे आया बताऊं क्या लिख के? अरे ये 2 sin थीटा cos थीटा था भाई, 2 नहीं था क्या? तो उधर जाके क्या बनेगा? ये 4 क्या बन गया इधर? एन इक्वल्स टू, ओके और बना लो कुछ, 10 थीटा बना ले। 10 थीटा बाय 4, 4 cos थीटा बाय साइन थीटा इक्वल्स टू क्या बच रहा है? एन। क्या लिखू इसको? 4 बाय 10 थीटा। क्या लिख दिया मैंने? 4 cot थीटा इक्वल्स टू एन, तो एन इक्वल्स टू 4 cot थीटा, है ना? डायरेक्ट रिजल्ट बन रहा है। अब इसको लगा के दिखाता हूं,
कैसे सवालों में ये लगता है। इसके नीचे एग्जाम्पल लिख लो इसका, क्वेश्चन बना के। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन। अच्छा, इसको एक चीज और, यहां से कोट थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू यहां से 4/n आ जाएगा। टेन थीटा क्या आ जाएगा, 4/n। लिख क्यों नहीं रहा, मैं घर नहीं जाने दूंगा, क्या दिक्कत है। फोर बाय एन क्वेश्चन लिखिए। आर इक्वल्स टू 2h दे रखा है, ये दे रखा है, आर इक्वल्स टू 2h। फाइंड रेंज, फाइंड रेंज, फाइंड रेंज। तू देख कब आती है, देखते हैं किसका आंसर आता है। बताओ बताओ। इनिशियल वेलोसिटी यू है, इनिशियल वेलोसिटी यू है। हाँ जी, जी देखो एक बार, इधर देखो सारे, क्या देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये रोहन। हाँ भाई, अगर मैं तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं सिखाता और तुम ये क्वेश्चन देखते, तो तुम उन फॉर्मूलों के बिहाफ पे क्या क्या सोचते। सोचो, आर दे रखा है, एच दे रखा है, तुम यही सेम काम फिर करते क्या निकालने के लिए, थीटा। यार बताओ, अगर आपको रेंज निकालनी है, क्या रेंज के लिए थीटा चाहिए, कैस में थीटा दिया है, थीटा निकालने के लिए कौन सी कंडीशन दी है, ये दी है। मैं तुम्हें सोचना सिखा रहा हूं। वो कहते हैं ना कि लर्निंग में लर्निंग ही होती है सब कुछ, फैक्ट्स याद नहीं करने होते, लर्निंग के अंदर सीखा जाता है कि हाउ टू थिंक। समझ गए, रट्टे नहीं मारने होते, हमें हाउ टू थिंक समझा रहा हूं। आर इक्वल टू 2h है, मैं तुम्हें ये नहीं सिखाता तो तुम क्या करते, जो मैंने किया तुम यही करते है ना, और फिर क्या निकल के आता, थीटा। क्या मैं, आप डायरेक्ट मुझे समझ में आ रहा है एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू यहां से 2 है, क्या मुझे डायरेक्ट रिजल्ट याद है, टेन थीटा कितना, 4/n, एन कितना कितना आ गया, क्या 2/1 आ गया। 10वीं क्लास, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ जाए तो सारी आ जाती हैं। हाँ या ना, आ जाती है ना। यहां बताओ ये कितनी है, मुझे इस सवाल में निकालना क्या है भाई, आर निकालना है, क्या निकालना है बोलो, आर का फॉर्म यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा, ये भी होता है ना, देख लो। sin 2 थीटा को क्या भर दूंगा, 2 sin थीटा लगा दिया, मेरे को क्या चाहिए, ईमानदारी से सोच के बताओ। टेन थीटा अगर है, साइन थीटा कोस थीटा निकालना बड़ी बात है। जब जब टिग्नोमेट्री आई है तब तब कौन आता है, राइट एंगल ट्रेंगल आती है ना, राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल बनाओ, ये थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये कौन, ये कौन, तो परपेंडिकुलर 2, ये 1, ये क्या है, √5 आ गया, तो यहां से साइन थीटा कितना आएगा, 2/√5। कॉस थीटा कितना आएगा, 1/√5। भर दे वहां पे, आर इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 2 2/√5, 1/√5, भरो, क्या 2/5 बन जाएगा, 2/5 डिवाइडेड बाय क्या, ये 4u² बाय, आया उत्तर। ऐसे आते हैं, क्या कर रही है, कौन सा है, √5, √5 मल्टीप्लाई हो गया, 5 नहीं बनेगा, क्लियर है। केस नंबर 4 पे अभी तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस लगाना, आर इक्वल्स टू एन एच। देखो, मैं तुम लोगों को कुछ भी नई चीजें नहीं सिखा रहा हूं, मैंने आपको वही तीन फॉर्मूले याद करने के लिए बोला है। अगर तुम्हें मेरे बताए हुए रिजल्ट्स याद नहीं रहते, तो जैसे मैंने किया है, इस प्रोसीजर को याद रखियो। कॉम्पिटिशन इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, जिसका हो गया उस टाइम में
निकल गया, बाकी रह गए। आपको क्या लगता है ये सवाल कोई और नहीं कर सकता, ये उस गिवन टाइम में नहीं होता, दिक्कत ये है ना। तो आप इसको रिजल्ट को याद रखो, टेन थीटा इक्वल्स टू 4/n, यहां से निकाल दो। और इस चीज को ध्यान रखो, अब आदत बना लो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ गई तो ट्रेंगल बना के बाकी की निकाल लो। ये प्रोसीजर समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखिए केस नंबर 5। केस नंबर 5, फॉर्मूले इन कार्टेशियन फॉर्म। फॉर्मूले इन कार्टेशियन फॉर्म। आ रहा बेटा समझ में साक्षी? फॉर्मूले इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन का मतलब क्या होता है? एक्स वाई है ना। क्या लिखे हमने वहां पे? ऑलरेडी लिख रखे हमने, क्या है? 2uy, gu, ux, u, y, एक्स और वाई की फॉर्म में आने वाले फॉर्मूले नोन एज। और याद रखना, जब जब कार्टेशियन में फॉर्मूले आते हैं तब तब वेक्टर आता है। वेक्टर वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप के लिए एक्स, जे कैप के लिए देखो टी का फॉर्मूला बोलो, 2uy/h का फॉर्मूला बोलो 2g, आर का फॉर्मूला बोलो। देखो मैं हमेशा आपको एक स्टेटमेंट देता हूं क्लास में, फॉर्मूला आना और लगाना दोनों बातों में दिन रात का अंतर होता है। आते सभी को है, लगाने किसी किसी को आते हैं। कैसे? अब आपको फॉर्मूले पता है ये वाले, देखो ध्यान से। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जितने भी इलस्ट्रेशंस दे रहा हूं ऐसे ही इलस्ट्रेशंस मिलेंगे आपको। जिसने काइनेमेटिक्स ढंग से कर ली उसने पूरी 11th का बेस कर लिया। मैंने आपको डे वन में बताया था कि काइनेमेटिक्स क्या होती है, मोशन मोशन। पर आप पूरी 11th क्लास का कंटेंट उठा के देखो एक बार, नजर मारो, मैकेनिक्स 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 मैकेनिक्स, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव मोशन, फ्लूइड मोशन, सारा ही तो मोशन है। तो काइनेमेटिक्स को तो बेस बनाना बहुत जरूरी है। यहां देखिए, अगर मैंने कहा एक यू है, यू वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी, ये दे दी ए आई कैप प्लस बी जे कैप, फाइंड आर टी एच। देखो अभी आपको सिर्फ क्या दिया गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या दी गई। हाँ, अगर ऐसे रहे तो 11वीं में सब्जेक्ट चेंज करने की नौबत आ सकती है। ध्यान कहां तेरा, कहां खोया हुआ है? आर टी और एच। अब देखो, अब तुम बोलोगे सर बहुत सारे बच्चों का, मैं आपको बता रहा हूं, अभी 12th वाले बैठे हैं। देखो आर टी और एच इस चैप्टर के अंदर मैक्सिमम बच्चों की अप्रोच ये रहती है, वो ये फॉर्मूले तो याद कर लेते हैं और जब जब उनसे सवाल पूछा जाता है उनका दिमाग यहाँ टिकता है, जाके इनमें टिकता है, इनमें इनमें इसमें थीटा में, और उनको थीटा मिलता नहीं है। आप बताओ, आपको यू दिया है, आपको थीटा कैसे मिलेगा? थीटा भी मिल सकता है, हर चीज का तरीका है, लेकिन क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगी? यस। पर मुझे बताओ, बोलो यू का ये कौन सा कंपोनेंट है? तो क्या ये यू एक्स है, क्या ये यू वाई, इनमें भर दो आंसर। टी 2b/g, एच बोलो 2g, आर बोलो 2ab बाय, आ गया ना? यस। कितना के, कौन सा केस है ये? केस नंबर 5। समरी बनाओगे इन केसेस की? बनाओगे केस नंबर 6 डालो, केस नंबर 6।
भाई आगे के कंटेंट के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरी स्पीड ज्यादा हो सकती है और मेरे को रखनी भी पड़ेगी। ठीक, काइनेमेटिक्स का मैं बेस 1 महीने से बनवा रहा हूँ, 1 महीना, 1 महीना वेक्टर, 1 महीना काइनेमेटिक्स। ठीक, और मैंने आपको पहले भी कहा था खरगोश की चाल नहीं चलनी, कछुए की चाल चलिए। पहले हम धीमे धीमे चले हैं, उसके बाद स्पीड बढ़ा रहे हैं। जितनी भी काइनेमेटिक्स हुई है वो सारी यूज हो रही है, तो पहले वेक्टर्स पे और काइनेमेटिक्स पे सोच के देखो। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, 21 के करीब, 22 के करीब तुम्हारे 20 21 लेक्चर्स हुए हैं काइनेमेटिक्स के, तो महीने के करीब काइनेमेटिक्स चली है। देखो इधर केस नंबर 6 में आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। मान लीजिए U1 दे दिया, U1 A1 i कैप, B1 j कैप, U2 दे दिया A2 i कैप, P2 j कैप। डन। एक बार जल्दी से दोनों कंडीशंस के T1 R1 H1, T2 R2 H2 निकाल लो, इसके T1 बोलो कितना आएगा। हाँ जी, T1 2 2B1 by G, वेरी गुड। R1 कितना आएगा, 2A1B1 by G। H1 कितना आएगा, UY² by 2G, यानी कि B1 square by 2G। सही है भाई, आ रहा है समझ, चेपने में लगा हुआ है। इसके बताना T2 सेम, 2B2 by H2 कितना आएगा, B2 square by 2G। R2 कितना आएगा, 2A2B2 by G। आया समझ में। हाँ, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं अब, इधर 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 सीजर। सबसे पहला, इफ T1 बराबर T2 करो और देखो क्या आ रहा है। करो, U1 बराबर U2 आ रहा है या B1 बराबर B2 आ रहा है। B1 बराबर B2 आ रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, B क्या है, Y डायरेक्शन की वेलोसिटी। दो प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम हो सकता है अगर उनकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो, सेम। दोबारा बोलू, देखो ध्यान से, मैंने T1 T2 किया, T1 बोलो कितना है, 2B1 by 2B2 by G। सब कट गया ना, क्या B1 बराबर B2 आया। B1 बराबर B2 का मतलब क्या, सेम, UY सेम। अगर दो प्रोजेक्टाइल की वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी सेम है तो उनका टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा, सेम होगा, याद रह जाएगा। अब जैसे मान लो मैं इसमें दे देता 3i कैप, ध्यान से देखो, 3i कैप + 4j कैप, 5i कैप + 4j कैप, दोनों का यू आई सेम दे दिया, तो तुम समझ गए क्या सेम है इनका टाइम। क्या ये कंडीशन तुमने T1 T2 के लिए चेक की, क्या हाइट सेम की कंडीशन निकाल सकते हो। फिर से कर लो, इफ H1 बराबर H2, यार एक नॉर्मल सी बात है, देखो ध्यान से, अगर मैं यहीं से चलूं, मेरे को H बनानी है, H इसका स्क्वेयरिंग कर दूं दोनों साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या आएगा, B1 square B2 square, दोनों साइड क्या लगा दिया, क्या बन गई हाइट, क्या बन गई, तो क्या H1 बराबर क्या आया, H2 आ गया। तो जब UI सेम होता है तब T भी सेम होता है और हाइट भी सेम होती है, रिजल्ट याद हो रहे हैं। अगर तुमने ऐसे ऐसे करके 10 बातें भी याद कर ली ना इस चैप्टर की, आपका चैप्टर स्ट्रोंग हो गया। तो डायरेक्शन अपोजिट हुई ना, नहीं सेम नहीं होगा, कैसे सेम होगा, फिर सेम नहीं होगा। देख पहली बात तो ये, जो टाइम है अगर ऐसे लिखेगी और माइनस में लिखेगी, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, वो वैसे देगा भी नहीं, है ना, इसलिए। नेक्स्ट आइए, क्या तुम रेंज के लिए चेक कर सकते हो, रेंज को सेम करना है, रेंज इज सेम ओनली व्हेन, निकालो
देखो जिसका रिजल्ट आपको निकालना हो ना उनको बराबर कर लिया करो, जैसे मैंने कर लिया, मेरे को देखना था T1 T2 बराबर कब होगा, मेरा आ गया। मेरे को चेक क्या करना है, रेंज सेम कब होगी, तो क्या कर लो, इफ R1 बराबर एक रिजल्ट, दो रिजल्ट है ना, और तीसरा रिजल्ट H1 H2 सेम, यहां सेम क्या किया करो सेम, 2A1 B1 बाय 2A2 B2 बाय कटा तो क्या आया A2। अगर तुम इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखो, अगर मान लो ये 4 i कैप है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, A1 B1 प्रोडक्ट सेम भाई, ये 3 लिया मैंने, ये 4 लिया, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 12, ये 4 लिया ये 3 लिया, अब भी कितना आ रहा है, तो इनकी क्या सेम होगी रेंज। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, मैंने बोला तुम्हारे को ऑप्शंस में ना U1 और U2 दे दिए, एक U1 U2 ये रहा, U1 U2 ये रहा, U1 U2 ये रहा, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए, और आपसे ऊपर क्वेश्चन में लिख दिया बताइए किस केस में रेंज सेम है, तो क्या करोगे, प्रोडक्ट सेम चेक करोगे ना। क्लियर हो गई बात, आसान है, लिख लो प्रोडक्ट शुड बी सेम। थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है, ध्यान देना। देखो ये जो 6 केस हुए हैं ये बहुत सिंपल केस थे, है ना। अब आप थोड़ा सा दिमाग चलाने की कोशिश करो, आपने किसी चीज को फेंका, मैंने मान लिया 30 डिग्री पे फेंका, क्या आपसे ऐसा नहीं पूछ सकता कि 5 सेकंड के बाद बताओ ये कहां होगा, कितने एंगल पे होगा, इसकी कितनी वेलोसिटी होगी। बिल्कुल जनरल सवाल है ना, सोचो आपने किसी चीज को फेंका, मैंने यहां से फेंका, ये जब यहां चली जाएगी तो यहां इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यहां इसका एंगल कितना होगा, यहां तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लगेगा, ये सारी चीजें पूछेगा ना। हेडिंग डालिए केस नंबर 7 पे स्टार लगा के, वेलोसिटी एट एनी एंगल, वेलोसिटी एंड एंगल एट एनी टाइम, ऐसे डालो वेलोसिटी एंड एंगल एट एनी टाइम, वेलोसिटी एंड एंगल एट एनी टाइम डालिए, वेलोसिटी एंड एंगल एट एनी टाइम, यही तो समस्या है, पोज हो जाता है तू, वेलोसिटी एंड एंगल एट एनी टाइम। कर दे रेस, हो गया, यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम, कितने केस हुए हैं, 6 हो गए। लो जी देखो एक बात ध्यान रखना, जैसा रवैया जैसा बिहेवियर टीचर का क्लास में होगा ना वैसा रवैया और बिहेवियर तुम्हारा पेपर में आएगा। मैं एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बोल रहा हूं, जैसा मेरा स्पीड इधर होगा, जैसा मेरा नोट्स इधर होगा, जैसी मेरी सोचने की कैपेसिटी मैं तुम्हें यहां पे दिखाऊंगा, वैसी ही सोचने की कैपेसिटी तुम पेपर में भी दिखाओगे। यार आप सोचो, एक एक साल आप एक इंसान से इन्फ्लुएंस होते हो, एक साल क्या 2 साल आप एक इंसान को सुनते रहते हो, क्या उसके कोई भी ट्रेड्स आपके अंदर नहीं आएगा, आएगा या तो लैंग्वेज आएगी, सोचने का तरीका आएगा, कपड़े का कपड़े पहनने का तरीका आएगा, बोलने का तरीका आएगा, कुछ ना कुछ तो एडॉप्ट होगा ही होगा 100%। हम वी आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द टीचर्स, हम आज तक जितने टीचर से पढ़े हैं ना वैसा आउटपुट तुम्हारे सामने निकलता है। हमारा जितना भी कंटेंट यहाँ डिलीवर होता है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे टीचर्स का आउटपुट है, जैसा हमने पढ़ा होगा ऑब्वियसली वैसा ही हम पढ़ाएंगे। अगर मैंने ऐसे ऐसे चीजें पढ़ी होंगी तभी तो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ऐसे ऐसे तुम ऐसे ऐसे पढ़ रहे हो तो ऐसे ही समझाओगे किसी को, अगर समझाओगे तो ध्यान रखना ये चीज, जो जो मेन मेन चीजें हैं जो तुम्हें लगती है कि हाँ मेरे पेपर के लिए सही है वो चीजें अडॉप्ट कीजिए, नॉट ओनली फ्रॉम मी, जितने भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं हर एक के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी मिलेगी, समझ गए। डालिए केस नंबर 7, वेलोसिटी
कॉपी बंद कर दो, वेलोसिटी एंड एंगल एट एनी टाइम, मैं टाइम दूंगा, पहले सुनिए ध्यान से, क्या ये पॉपुलर डायग्राम है? ये लो, कितने से फेंका? यू से, ये कौन? थीटा। मैं मान लिया कि ये कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, क्या यहां जाके इसकी वेलोसिटी कितनी मान ली? क्या एंगल इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? क्या मैं हॉरिजॉन्टल यहां भी बना लू? ये बना लिया। क्या मैं इसका एंगल यहां पे फाई मान लू? देखो, किसी भी टाइम पर जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, और किसी भी टाइम पे जाके इसका एंगल विद हॉरिजॉन्टल कितना हो चुका है? फाई हो चुका है। यही निकालना है। क्या निकालनी है? वी और फाई, वी और इधर इधर इधर। वेक्टर क्वांटिटी किसी भी एंगल पे किसी काम की नहीं होती है। कंपोनेंट तोड़ो, यू कॉस थीटा नॉन एस, ऊपर तोड़ा, कंपोनेंट कितना? यू है भाई, टूटेंगे तो इसके भी, बोलो वी कॉस फाई, और ये वी कॉस वी साइन फाई। अब कल वाली बातें याद करते हैं। क्या कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कोई भी प्रोजेक्टाइल क्या दो वेलोसिटीज के कंबाइंड इफेक्ट में चलता है? क्या वो दोनों की दोनों वेलोसिटीज आपस में परपेंडिकुलर होती है? क्या एक्स वाली वेलोसिटी कभी चेंज होती है, वाई वाली कभी चेंज होती है? कितनी एक्सेलरेशन से? जी से, है ना। क्या ए एक्स कितनी होती है? ए एक्स। यू एक्स कितनी है? ए एक्स कितनी है? ए वाई कितनी है? जी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? पक्का? तो एक बात तो समझ में आ रही है, यहां वाली एक्स वाली वेलोसिटी और यहां वाली एक्स वाली वेलोसिटी क्या रहेंगी? तो इन दोनों को बराबरी ना कर देंगे? एक काम तो यही खत्म हो गया। करें, करो। यू कॉस थीटा इक्वल्स टू वी कॉस फाई। वी है, वी वी कॉस फाई चाहिए क्या? वी चाहिए ना, वी चाहिए ना, तो वी निकाल लो यहां से, कितना आएगा? यू कॉस थीटा बाय कॉस फाई। अब तुम बोले सर ये बात तो ठीक है, लेकिन ये वी तो तभी आएगा जब मेरे पास क्या हो? फाई। जाहिर सी बात है, यू दिया होगा, थीटा दिया होगा, फाई नहीं होगा। फाई निकालने के लिए क्या किया जाए फिर, करके देखें। हाँ जी, मुझे सिर्फ यहां बता दो, क्या आपके पास दो सिचुएशन है यहां पे? लिखना मत, ध्यान से देखो एक बार। यहां पे टेन थीटा निकाल सकते हो? देखो ध्यान से, ये क्या है भाई? यू। ये क्या था? थीटा। ये क्या है? यू कोस थीटा। ये क्या है? यू साइन थीटा। कहीं पहुंच के कितनी बन गई? एंगल कितना? ये कौन? ये कौन? वी साइन फाई। इफ यू फाइंड टेंजेंट थीटा फ्रॉम हियर हाउ मच इट इज? बेटा जिधर एंगल उधर ट्रेंगल, जिधर एंगल तो इधर ट्रेंगल बना लो ना इसको पैरेलल शिफ्ट करके, तो परपेंडिकुलर बाय बेस करके नहीं आ जाएगा? कितनी है? यू वाई। ये कौन? यू वाई। ये कौन? क्या ये भी तो यू वाई है? पैरेलल शिफ्टिंग करके क्या है ये? तो टेन थीटा कितना आएगा? यू वाई बाय वो एक। कोई प्रॉब्लम यहां तक? और अगर मैं यहां से टेंजेंट फाई देखूं तो वी वाई बाय, क्या इसको मैं वी एक्स मान लू? इसको वी वाई मान लू? क्या ये वी वाई बाय वी एक्स? अब देखो, तुमने ये चीज नोट की है कि यू एक्स वी एक्स तो दोनों क्या है, ये तो कभी बदलने वाले नहीं है, लेकिन क्या वी वाई तो बदलेगा ना? बोलो, क्या v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी देखा है? देखा है, कितना होता है? अब इसमें क्या y वाली डायरेक्शन देखनी है ना, क्या x वाली में तो एक्सलरेशन है ही नहीं? अगर यहां एक्सलरेशन आ रही है तो सब किससे, किस वाले हैं? ये y वाले हैं। ए वाई कितनी है? बोलो वी वाई कितना आया? यू वाई की वैल्यू कितनी है? यू साइन माइनस माइनस हो गया ना ये, क्योंकि नीचे है ना एक्सेलरेशन,
पूरे प्रोजेक्टाइल में एक्सलरेशन कहाँ रहती है? नीचे रहती है, नीचे सब नेगेटिव, तो वाई माइनस जी टी हो गया। क्या ये वाई आ गया? कोई प्रॉब्लम यहां तक? पक्का आपको क्या चाहिए? याद करो मैंने क्या क्या समझाया तुम्हें आज तक। क्या मैंने समझाया था? डायरेक्शन जब जब आती है तब तब कौन आता है, और एंगल निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है? हो रहा है, टेंजेंट का यूज हो रहा है ना? बोलो वी वाई की वैल्यू ठीक यू साइन थीटा माइनस जी टी बाय वी एक्स। वी एक्स कितना? क्या वी एक्स को यू एक्स भर दूं? रीजन क्या है इसका? क्योंकि नीचे भी थीटा आ जाएगा फिर। अगर मैं वी एक्स भरूंगा, वी एक्स वो किसमें आएगा? और वी एक्स को यू एक्स भर दूंगा तो यू एक्स क्या है? भर दो यू साइन थीटा माइनस जी टी बाय यू कोस थीटा। क्या यू कोस थीटा इसको भी दे दूं? इसको भी दे दूं यू कोस थीटा, और यू कोस थीटा इसको भी दे दिया। कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्या बन गया ये? उधर जी टी बाय कोस थीटा क्या बन रहा है? ये वो डिब्बा है जिससे क्या निकलेगा और कहां भरा जाएगा? यहां भरा जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए पहले ये वाला लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? यस। क्या इसके लिए टी की भी रिक्वायरमेंट है? हाँ, वो बोलेगा 5 सेकंड के बाद बताइए उसकी वेलोसिटी कितनी होगी एट एनी, आ गया ना टाइम, एट एनी टाइम, एनी टाइम छाप लो। तू क्या पढ़ रहा? तो टॉप पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई? यहां जाके सीधा नहीं हो जाएगा? इसका फाई कितना हो जाएगा? जीरो। फाई जीरो यहां भरो, कोस जीरो कितना आया? यू कोस थीटा, ये तो हमें पता ही था। एक्स वाली कभी बदलती नहीं है। लैंडिंग के टाइम पे कहां होगी? ऐसे नीचे होगी। तो लैंडिंग के टाइम पे क्या करोगे? फाई को माइनस थीटा लेना पड़ेगा। फाई को क्या लेना पड़ेगा? हाँ जी, वो आएगा, तुम्हें लेना नहीं पड़ेगा, वो आएगा लैंडिंग के टाइम पे। देखो कैसे आएगा। इसमें फाई कितना लिया मैंने? जीरो। देखो जब टॉप पे पहुंच जाओगे तो इस टी की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? पूरे टाइम का आधा। नीचे आने तक टाइम कितना लगता है? कैपिटल टी। अब कितना लगेगा? उस कैपिटल टी का आधा। कैपिटल टी कितना था? यू स्क्वायर या 2u sin थीटा बाय, तो 2 से काट दो। क्या भर दोगे? यू साइन थीटा बाय जी भर दोगे। एक बार यहां पे क्या भरना है? यू साइन थीटा बाय जी। और लैंडिंग के टाइम पे टी कितना भरना है? हाँ जी, टी के बराबर 2u sin थीटा बाय जी। ये दो काम करने हैं, एक बार टी को ये भरना, एक बार टी को ये भरना। यहां से फाई आएगा, यहां से भी फाई आएगा, उसको वहां भरना। आया समझ में? मैंने ये बताया है अगर आप टॉप पे पहुंचते हो यहां तो आपको टाइम कितना लगेगा? टी बाय टू नहीं लगेगा? टी का फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin थीटा बाय जी। इसका आधा करेगी तो 2 कट जाएगा ना, तो यहां तक का टाइम कितना होगा? वो यहां भर दे। और लैंडिंग के टाइम पे टाइम कितना होगा? कैपिटल 2u sin थीटा बाय जी भर दे। एच हाइट पे हाँ 5-0 आएगा। हम्म,